हर व्यक्ति को अलग अलग सपने आते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति उसको वैसे ही सपने आते हैं। कुछ लोग को ज़्यादा सपने आते हैं तो कुछ लोग को कम सपने आते हैं। सपने आज तक मनुष्य के लिए कठिन विषय रहे हैं। मनुष्य सपने के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता। कुछ सपने देखकर व्यक्ति डर जाता है जबकि कुछ सपने देखकर खुश हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाले हैं कि यदि आप सपने में खुद को कसरत करते हुए या किसी को भी कसरत करते हुए देखते हैं तो यह वीडियो कैसा हो और यह सपना कैसा है। तो कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। कसरत करने वाले से शरीर जो होता है हमारा वो मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है। कसरत करने वाला इंसान जल्दी रोगी नहीं होता। कसरत करने के बहुत फ़ायदे हैं लेकिन सपने में कसरत करने का परिणाम सीधा ही उल्टा होता है। सपने में कसरत करना अशुभ माना जाता है। सपने में कसरत करने का मतलब है बीमारी आने की सूचना। जो भी व्यक्ति सपने में कसरत करता है उसे बीमारी हो सकती है। सपने में कसरत या व्यायाम करने का अर्थ रोग आने का संकेत होता है। तो दर्शकों, अगर आप ऐसे स्वप्न देखते हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। सबसे पहला उपाय आपके साथ ये आपको करना है कि आपको इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप ये सपना बताएंगे उतना ही आपके इस सपने का जो अशुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। दर्शकों आप कोशिश करें कि आप इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बता सकें। वहीं दूसरा उपाय है कि आपको दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करने से भी आपके अशुभ सपने का जो फल है वह कम हो जाएगा। वहीं दर्शकों, आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप यह सपने रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगा। यही सपना आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, तो दर्शकों मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बरसती रहे।